हो चुकी है अग्नि की विजयी उड़ान, दुश्मन का होगा काम तमाम, नहीं बच पाएंगे अब चीन और पाक, भारत ने अंतरिक्ष में भेजा अग्निबाण। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। पहले आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, आसमान को भेदते हुए किस तरह से ये मिसाइल अंतरिक्ष यात्रा की तरफ बढ़ रहा है, और जैसे जैसे ये मिसाइल अंतरिक्ष की तरफ अपना सफर तय कर रहा है, वैसे वैसे दुश्मनों की धड़कन की रफ्तार धीमी होती चली जा रही है। भारत का एकमात्र अग्निबाण चीन की गिदड़ भभकी और पाक को उसकी औकात दिखाने के लिए काफी है। हर दिन हर वक्त भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रचता नजर आ रहा है। भारत की परमाणु शक्ति ने अब चीन के भी होश उड़ाकर रख दिए हैं। एक बार फिर भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। 27 अक्टूबर 2021 उड़ीसा। भारत की धरती इतिहास रचने और इतिहास को बदलने के लिए ही जानी जाती है। वक्त कितना भी बदल जाए, लेकिन इतिहास रचने और इतिहास को बदलने का जुनून भारत की मिट्टी से कभी समाप्त नहीं होने वाले। 27 अक्टूबर 2021 को एक बार फिर हिंदुस्तान ने इतिहास रच के ये साबित कर दिया कि हर मुश्किल चीज को भारत मुमकिन में बदल सकता है। बता दें कि LAC पर चीन से चल रहे तनाव के बीच भारत ने बुधवार को जमीन से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। बेहद सटीक मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, या फिर दूसरे शब्दों में बोले तो बीजिंग पाकिस्तान और पूरा एशिया अग्नि 5 के रेंज में आ जाएगा। आइए समझते हैं अग्नि 5 की खासियत क्या है और क्यों भारत के इस मिसाइल से चीन पाकिस्तान परेशान है। अग्नि 5 भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 को DRDO ने बनाया है। अग्नि 5 की लंबाई 17 मीटर है। मिसाइल की चौड़ाई 2 मीटर है। मिसाइल का पूरा वजन 50 टन है। अग्नि 5 लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में सक्षम है। अग्नि 5 एक साथ कई हथियार ले जा सकता है। 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार एक साथ जा सकते हैं। ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल से लैस है, यानी एक साथ मल्टीपल टारगेट के लिए लॉन्च की जा सकती है। इसकी स्पीड Mach 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। अग्नि 5 के लॉन्चिंग में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इस मिसाइल को कहीं भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल का इस्तेमाल भी बेहद आसान है। देश में कहीं भी इसकी तैनाती की जा सकती है। मिसाइल की जद में चीन के कई शहर भी आ जाएंगे। तो देखा कितना खास है भारत का ये अग्निबाण यानी अग्नि 5 मिसाइल। गिनतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इतनी ज्यादा इसकी खासियत है। इतना खास है तभी तो चीन की हालत भी खराब है, और बेचारा पाकिस्तान वो तो अग्नि 5 का नाम से ही थर्रा चुका है। जब बात अग्नि 5 की हो रही है तो चलिए आपको इस मिसाइल का थोड़ा सा इतिहास भी बताते हैं, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए जरूरी है। अग्नि सीरीज की 5वीं मिसाइल है। 19 अप्रैल 2012 को उड़ीसा में मिसाइल का पहला टेस्ट किया गया। मिसाइल का पहला टेस्ट पूरी तरह से सफल साबित हुआ। जनवरी 2015 में मिसाइल का पहला कैनिस्टर टेस्ट किया गया था। तब मिसाइल को रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। 10 दिसंबर 2018 को मिसाइल का आखिरी टेस्ट किया गया।
खास बात यह है कि अब तक मिसाइल के 8 टेस्ट हो चुके हैं। मिसाइल के सभी 8 टेस्ट सफल साबित रहे। दूसरा परीक्षण 15 सितंबर 2013, तीसरा परीक्षण 31 जनवरी 2015, चौथा परीक्षण 26 दिसंबर 2016, पांचवा परीक्षण 18 जनवरी 2018, छठवां 3 जून 2018, सातवां 10 दिसंबर 2018 को किया गया। अग्नि को 2020 में ही सेना में शामिल करने की तैयारी की गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से टेस्ट में देरी हो गई। आप देखिए, भारत के अग्नि 5 की तैयारी को देखने के बाद चीन को शुरू से चिंता सता रही थी। अग्नि 5 के टेस्ट के बारे में चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने कहा था कि दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में सभी का साझा हित है। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष इस दिशा में रचनात्मक प्रयास करेंगे। भारत न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास नहीं कर सकता है। इस बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1172 में पहले ही स्पष्ट नियम है। खैर, चीन ये भूल जाता है कि ये नया हिंदुस्तान है जो बदलने के साथ साथ इतिहास भी रचना शुरू कर दिया है। खैर, भारत के इस पावर से चीन की नींद हराम होना तो था ही, क्योंकि चीन को अच्छी तरह से पता है कि भारत अब शांत बैठने वाला नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान चीन के पास इस तरह की मिसाइलें हैं? चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। पाकिस्तान के पास गौरी 2 और शाहीन 2 मिसाइल है। गौरी 2 मिसाइल की रेंज 2300 किलोमीटर है। शाहीन 2 मिसाइल की रेंज 2500 किलोमीटर है। पाकिस्तान शाहीन 3 पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 2700 किलोमीटर तक हो सकती है। चीन की DF-31 और DF-41 मिसाइल है। इन मिसाइलों का रेंज पाकिस्तान से ज्यादा है। तो ये रही बड़ी वजह जिस वजह से चीन की नींद हराम हो चुकी है और पाकिस्तान तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। दुनिया में हर देश शक्ति को बढ़ावा देने के लिए दिन रात इस दिशा में काम करते हैं, लेकिन बहुत कम देश हैं जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इनमें रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, चीन और उत्तर कोरिया शामिल हैं, और भारत इस ताकत से लैस होने वाला दुनिया का 8वां देश बन चुका है। चलिए अब आपको भारत के अग्नि 5 मिसाइल के 5 स्वरूप से वाकिफ कराते हैं। अग्नि 1। अग्नि 1 का रेंज 700 किलोमीटर है। अग्नि 1 का पहला टेस्ट 22 मई 1989 में हुआ था। अग्नि 2। अग्नि 2 का रेंज 2000 किलोमीटर है। अग्नि 2 का पहला टेस्ट 11 अप्रैल 1999 में हुआ था। अग्नि 3। अग्नि 3 का रेंज 3000 किलोमीटर है। अग्नि 3 का पहला टेस्ट 9 जुलाई 2006 में हुआ था। अग्नि 4। अग्नि 4 का रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि 4 का पहला टेस्ट 10 दिसंबर 2010 में हुआ था। अग्नि 5। अग्नि 5 का रेंज 5000 किलोमीटर है। अग्नि 5 का पहला टेस्ट 19 अप्रैल 2012 में हुआ था। आप चलते चलते आपको बताते चले कि अग्नि 5 मिसाइल के कुल मिलाकर 8 सफल परीक्षण हुए हैं। इस मिसाइल का अलग अलग परीक्षणों में अलग अलग मापदंडों पर परीक्षण किया गया, जिससे यह बात सामने आई कि दुश्मन को नष्ट करने के लिए मिसाइल सबसे अच्छा हथियार है। बहरहाल, भारत की इस उपलब्धि पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।